माँ की ममता अनमोल है। बेटे के जन्मदिन पर रात के 1:30 बजे फोन आता है। बेटा फोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक लाला। बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है, सुबह फोन करती, इतनी रात को नींद खराब क्यों की? कहकर फोन रख देता है। थोड़ी देर बाद पिता का फोन आता है। बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता बल्कि कहता है, सुबह फोन करते? फिर पिता ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम्हारी माँ पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फोन किया। वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था। वो मरने के लिए तैयार हो गई पर ऑपरेशन नहीं करवाया। रात के 1:30 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 6 बजे से रात 1:30 बजे तक वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी पीड़ा भूल गई। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवा दिए थे कि अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हें साल में एक दिन फोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई? मुझे तो रोज रात को 25 साल से रात के 1:30 बजे उठाती है और कहती है, देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया था। इतना कह के पिता फोन रख देते हैं। बेटा सुन्न हो जाता है। सुबह घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी मेरा लाल आ गया। फिर पिता से माफी मांगता है। तब पिता कहते हैं, आज तक ये कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है, पर अब तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूंगा। तब माँ कहती है, माफ कर दो जी, बेटा है हमारा। सब जानते हैं दुनिया में एक माँ ही है जिसे जैसा चाहे कहो फिर भी वो गाल पर प्यार से हाथ फेरेगी। पिता अगर तमाचा ना मारे तो बेटा सर पर बैठ जाए, इसे पिता का सख्त होना भी जरूरी है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है,